हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका चैनल फॉर यू पे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरह से अपना वोटर आई कार्ड ऑनलाइन बना सकते हैं। ओके फ्रेंड, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, चैनल फॉर यू को, ताकि हम काफ़ी अच्छी वीडियो आपके साथ शेयर कर सकें। तो ओके फ्रेंड, चलते हैं अब टॉपिक पे। सबसे पहले हम लोग को गूगल पेज खोलना है और उस पर आपको टाइप करना है nvsp.in। जब ये आप टाइप करेंगे तो सबसे फर्स्ट में ही एक रिजल्ट आ जाएगा, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। ओके, तो आपको इस पे जाके क्लिक करना है। तो आप देख रहे हैं एक पेज खुल गया है, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल। तो आप इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाइएगा तो यहाँ पे एक नेशनल सर्विसेज करके ऑप्शन आ जाता है। तो आपको सेकेंड ऑप्शन में जाना है जो आप देख रहे हैं, अप्लाई ऑनलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू वोटर। तो आपको इसमें जाके क्लिक करना है। ओके फ्रेंड, तो आप देख रहे हैं एक पेज खुल गया, फॉर्म 6। तो ये आपको फिल करना होगा। तो चलिए कैसे फिल करना है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टेट, तो आपको यहाँ पे स्टेट भरना है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे असेंबली भरना है। तो आप अभी देखिएगा कि असेंबली में अभी कुछ नहीं है। तो आप जैसे आपका जो स्टेट है आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। एज एग्ज़ाम्पल जैसे मान लीजिए हम कुछ भी सेलेक्ट कर लेते हैं, बिहार को सेलेक्ट किए, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका असेंबली आ गया है। और आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा आप किस असेंबली में आते हैं, आप यहाँ से जाके सेलेक्ट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट चलते हैं यहाँ से। फिर जिनका आपको एप्लीकेंट डिटेल बना रहे हैं उनका यहाँ पर डिटेल देना है। तो उनका नाम लिखना है यहाँ पर इंग्लिश में, फुल कैपिटल में लिखिएगा, और ऑटोमेटिक ही उनके रीजनल्स में उनका यहाँ पे नाम आ जाएगा। जैसे एग्जांपल यहाँ पे की ये आप देख रहे हैं कि धीरज नाम यहाँ पे ऑटोमेटिकली हिंदी में आ गया। अगर आपको लगता है कि ये धीरज जो है ये गलत लिखा हुआ है तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे भी काफ़ी ऑप्शंस हैं तो आप यहाँ से उसे ठीक कर सकते हैं। ठीक इसी तरह सरनेम लिखना है, अगर कोई सरनेम है तो यहाँ पर सरनेम लिखिए। फिर जेंडर लिखना है, और 1 जनवरी 2017 में आप कितने साल के थे, कितने महीने के हैं होंगे, ये आपको यहाँ पे डिटेल लिखना है, या तो फिर आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके नेक्स्ट चलते हैं, प्लेस ऑफ बर्थ डिटेल, जन्म स्थान का आपको डिटेल देना है। तो आपको यहाँ पे स्टेट देना है, आप किस डिस्ट्रिक्ट के ये देना है, विलेज देना है आपको, और बर्थ प्लेस देना है। ओके नेक्स्ट आप अपने फादर्स मदर या अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पे देंगे। उसके बाद उनका सरनेम यहाँ पे देना है आपको, और उनके साथ क्या रिलेशन है यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल रहता है, आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। ओके फिर सेकंड है कि आपको मामूली तौर से निवास स्थान का विवरण यानी पूरा एड्रेस, फुल एड्रेस आपको यहाँ पे भरना है। तो आप अपनी जो है हाउस या डोर नंबर वो आप देख लीजिएगा आपका क्या है। उसी तरह से आप यहाँ पे लोकेलिटीज़ भर दीजिएगा, टाउन भर दीजिएगा, पोस्ट ऑफिस कर दीजिएगा, पिन कोड भर दीजिएगा, आप थाना भर दीजिएगा, और सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। उसी तरह आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दे दीजिएगा, ईमेल आईडी दे दीजिएगा। अगर मोबाइल नंबर ईमेल आईडी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो रेट आपको दिख रहा है ये भरना अर्जेंट है। ओके फ्रेंड, अब थर्ड ऑप्शन, थर्ड में आपको एप्लीकेंट फैमिली से आपको डिटेल ऑफ मेंबर, दो आदमी का यहाँ पे डिटेल देना है जो कि ऑलरेडी आपके इलेक्ट्रोल रोल में वो सम्मिलित हैं। मतलब कि उनका नाम पहले से, दो ऐसे आदमी का नाम होना चाहिए, उन्हीं का आपको यहाँ पे डिटेल देना है। तो ओके, तो आप उनका वोटर आई कार्ड ले लीजिएगा और यहाँ पर एक और यहाँ पर दूसरे आदमी का डिटेल दे दीजिएगा। उनका रिलेशन यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है, और उसके बाद पार्ट नंबर, सीरियल नंबर और उनका फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर, ये तीन डिटेल भरना है। अब ये वोटर आई कार्ड से आपको मिल जाएगा। अगर ये पूरा डिटेल आपको वोटर आई कार्ड से नहीं मिलता है तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ क्या करना है। आप गूगल पेज खोल लीजिएगा, ओके, और फिर आप eci.nic.in में जाइएगा। तो आप देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खुल गया, आपको इसमें जाके ओपन करना है।
ओके फ्रेंड, ये देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसको आप स्क्रॉल करके नीचे जाइएगा। सबसे लास्ट में जब जाएंगे तो जस्ट थोड़ा ऊपर राइट साइड में आप देख रहे हैं वोटर एजुकेशन चैनल है और नेम सर्च इन वोटर लिस्ट, तो आप नेम सर्च इन वोटर लिस्ट में क्लिक कीजिएगा। यहाँ से अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे एग्जांपल चलिए कुछ भी, जैसे उत्तराखंड ही मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे सर्च टाइप आ गया डिस्ट्रिक्ट वाइज, आप यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं हरिद्वार सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देख रहे हैं सर्च बाई नेम से या एपिक नंबर से, तो एपिक नंबर से तुरंत पता चल जाता है, तो आपको वो वोटर आई कार्ड में वो नंबर मिल जाएगा एपिक नंबर। तो आप एपिक नंबर यहाँ पे आप डाल दीजिएगा, सर्च कर दीजिएगा, तो एक फॉर्म की तरह खुल जाएगा और उस फॉर्म में आपको उनका पार्ट नंबर लिखा रहेगा, उनका सीरियल नंबर लिखा रहेगा और उनका कार्ड नंबर रहेगा। तो आप वहाँ से जाके वहाँ कॉपी करके यहाँ पे आप लिख सकते हैं, काफ़ी सिंपल है। आप सिंपल यहाँ पे जाके उनका एपिक नंबर टाइप कीजिए और ये सर्च कीजिए, वो वहाँ पर शो कर देगा। ओके फ्रेंड, ठीक है, फिर चलते हैं इससे आगे। आपको यहाँ पे अपना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यहाँ से आप डाउनलोड करना है, योर फोटोग्राफ, तो आपको अपना कलर फोटोग्राफ देना है जो कि पासपोर्ट साइज का होना चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ देना है यहाँ से, आइडेंटिटी प्रूफ में आप अपने पैन कार्ड दे सकते हैं, आप अपना आधार कार्ड दे सकते हैं, आप ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, मतलब जो भी आपका आइडेंटिटी प्रूफ है वो दे सकते हैं। और एड्रेस प्रूफ में आप फिर से अपना ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, आप इसमें आधार कार्ड दे सकते हैं, आप राशन कार्ड दे सकते हैं, पर एड्रेस प्रूफ में फ्रेंड पैन कार्ड नहीं दीजिएगा, क्योंकि पैन कार्ड जो है वो आइडेंटिटी प्रूफ में काम आता है, क्योंकि पैन कार्ड में एड्रेस नहीं रहता है। ओके, तो ऑलमोस्ट आपका यहाँ से फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म है, यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा कि आपने जितना भी चीज़ जो किया है वो आप सही दे रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, दे रहे हैं आप देख लीजिएगा, अगर आपको सही लगता है तब आप आगे बढ़िएगा। और यहाँ पे जो आपने जो एड्रेस दिया है सेकंड नंबर पे, उस एड्रेस में आपको लिखा हुआ है देखिए कि मैं तारीख मास वर्ष से उपयुक्त भाग दो, आप देखिए भाग दो आपका मामूली तौर से निवास स्थान का पूरा पता, ओके, दो में दिए गए पते पे मामूली तौर से निवासी हूँ और दिनांक कब से, तो यहाँ पे आप ईयर दे दीजिएगा, मंथ दे दीजिएगा, डेट दे दीजिएगा, फिर ऐसे भर के आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे सब फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। फिर आप यहाँ पे आके यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, जब ये आप सबमिट कर दीजिएगा तो आपके तरफ से आपका काम कंप्लीट हो जाता है। अब गवर्नमेंट का काम है कि आपको जल्द से जल्द आपका वोटर आई कार्ड वहाँ से आपको भेज दें।